हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसे आप थंबनेल टाइटल देख समझ चुके होंगे, आज हम आए इस्कॉन टेंपल। इस्कॉन टेंपल दिल्ली के अंदर स्थित है और बहुत ही प्यारी जगह है। तो आज पूरा मंदिर आपको घुमाने वाले हैं और दर्शन कराने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के, और आपको बताएंगे सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा होने वाला है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरी तरह से लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको घुमाते हैं पूरा तरह से इस्कॉन टेंपल। गाइस, बात करिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन की, तो वॉक को पड़ा ला कालकाज मंदिर। कालकाज मंदिर से उतर के इस मंदिर सामने सब कुछ साइड आएंगे रास्ते पर, देख सकते हैं ये गेट मिला, पार्क के अंदर सब जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इस्कॉन टेंपल लेफ्ट गार्ड एंट्री 50 मीटर की है। तो इस पार्क के अंदर सोते जाएंगे अंदर हम, और आपको दिखाएंगे इस्कॉन टेंपल। चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस, चारों तरफ देख सकते पा रहे होंगे आप, काफ़ी हरियाली, बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा पार्क है। और मेरे सामने आपको मेरा क्वेश्चन दिख रहा है, जिम भी है, ओपन जिम से कहते हैं, और बच्चों का वो गेम जोन भी है। थोड़ा दिखाते हैं, आराम से चलते चलते आपको सामने दिख पा रहे हैं गाइस। ये है बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क थोड़ा सा, और यहाँ पर बच्चे कम बड़े ज़्यादा घूम रहे हैं, देख सकते हैं। सीधा सीधा रास्ता जाता हुआ, और मेरे पीछे देख सकते हैं ये है लोटस टेम्पल। और ठीक सामने है ये ओपन जिम, यहाँ देख पा रहे हैं सामने ओपन जिम में बिल्कुल। तो गाइस, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर आप खाने पीने चीज़ ले सकते हो, कुछ खाना हो तो आपको, और यहाँ पानी बिल्कुल मिल जाएगी आपको, और इस में सोते हो जाएंगे। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं काफ़ी हरियाली, काफ़ी खूबसूरती है इस पार्क के अंदर। और यहाँ पर हर पेड़ पर लिखा श्री राधा, जैसे आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो इस तरह से आपको हर पेड़ देखिएगा, एक संकेत दिया जाता है कि मंदिर किस साइड आपको जाना है। तो इन पेड़ों के बहुत सारे आप लगे जा सकते हैं, आपको भी खुद। मैं सामने देख पा रहा हूँ ये इस्कॉन की टेंपल की, सामने देख पा रहे हैं बिल्कुल। और साइड में इसके तो ये ही पार्किंग है, यहाँ अपनी आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर आ सकते हैं, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी वाड़ी ला सकते हैं। हम आ चुके हैं, और देख सकते हैं ये गेट नंबर 4 है, और इसके सामने सकते हैं ये ठंडा पानी आपको पीने मिल जाएगा, और गेट से हम एंट्री करने वाले हैं अयोध्या द्वार के तरह से। यहाँ पर लाइन लगी पड़ी है, देख सकते हैं एंट्री करने के बाद अंदर देख सकते हैं, चादर देख सकते हैं, यहाँ पर भक्त जन हैं। पारों में मैं अंदर आते ही प्रसाद मिल चुका है, और पहले प्रसाद खाएंगे फिर आपको पहले मंदिर घुमाएंगे। तो वह सात पशु अपने तस्ती बिल्कुल फ्री है, और अपना हाथ पैर धो के अंदर तरफ जा सकते हैं मंदिर के आप, और देख सकते हैं हमने अपनी जितनी देती हैं, तो हमें टोकन मिलने वाला है। तो चलो टोकन लेते हैं, तो टोकन मिला है 821 नंबर का, और हम जाएंगे अंदर मंदिर की तरफ। आज देखते हैं वैदिक एक्सपो गैलरी ऑफ इंडिया वैदिक कल्चर एंड सेंटर, सबसे बड़े वर्ल्ड की लार्जेस्ट भगवद गीता इसके अंदर ही है, और आपको यहाँ पर भगवद गीता पार्ट मिल जाएंगे। एक गीता का 30 मिनट का पार्ट है, और एक वैदिक सफारी है 45 मिनट की, महाभारत लाइट साउंड रामायण आर्ट गैलरी एंड सर में भगवद गीता चित्रिया आर्ट गैलरी, एंड शो टाइमिंग इसकी 9 बजे से रात 8:30 बजे एवरी 10 मिनट्स, देख सकते हैं। तो गैस, यहाँ पर 2 शो होते हैं, भगवद गीता शो होते हैं, वैदिक सफारी शो होते हैं, तो उसकी टिकट यहाँ से मिलेगी आपको। तो टिकट ये मैंने पता करी, तो यहाँ पर टिकट मिलेगी 1 शो के 200-150 रुपये हैं, और 2 शो के 200 रुपये हैं।
तो आप जैसा चाहे वैसे दे सकते हैं। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यू आर वॉचिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्क्रेच बुक। यह भगवद गीता एस इट इज, यह दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता है, इससे बड़ी दूसरी कोई भी नहीं है। और इसे वैसे लिखी पड़े जैसे ओरिजिनल भगवद गीता में लिखा पड़ा है। और ये बिल्कुल सेम ऐसे दे सकते हैं इसकी चारों तरफ। और इसको बदलने के लिए मशीन लगाई है, पन्ने पलटे आते हैं तो मशीन से पलट जाते हैं, हाथ से इंसान पलट पाता है। तो ये इसका एंट्री गेट है, ब्रह्मा देव एंट्री गेट पे खड़े हैं, देख सकते हैं। और अंदर आप आके एक्सपो में जा सकते हैं, यहाँ सबको टिकट मिल जाएगी। महालक्ष्मी उनके चरण दबाते हुए देख सकते हैं आप, टिकट देख सकते हैं भगवान बोले अपने तांडव रूप में, नित्य रूप में सोए तांडव रूप के लिए, तो आधे खाते हो जाता है। तो वह ऐसा देख पा रहे हो सामने भगवान श्री कृष्ण राधे साथ बैठे पड़े हैं, और उनके चारों तरफ देख सकते हैं गाय माता है, मोर है, हिरन है, काफ़ी तरह के पक्षी और काफ़ी जानवर यहाँ पर है, देख पा रहे होंगे आप। और काफ़ी अच्छे आर्ट गैलरी बना रखी है यहाँ पर। देख पा रहे हैं गरुड़ देव भगवान विष्णु की वाहन, और इनकी परिक्रमा करी जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होता है। तो भगवान श्री हरि कृष्ण का नाम ले रखे ये पूरी परिक्रमा की जाती है इस तरह से, वहाँ सामने एंड होता है उनके वहाँ के मैं जाता है। तो हम परिक्रमा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। श्री जया उनके गेट पे खड़े हैं, द्वारपाल जी देखते हैं। मंदिर तरफ और सामने से ही है यहाँ पर एंट्री, अंदर भजन चालू है, तो चलिए अंदर चलते हैं और एंट्री करते हैं। तो गाइस जैसे देख पा रहे होंगे अंदर की तरफ हम आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर हमारी माता बहन है, भगवान श्री कृष्ण फूल माले सिल रही है, और आसपास देख सकते हैं काफ़ी भक्तजन यहाँ पर हैं, और काफ़ी सुंदर दृश्य है मंदिर का आसपास देख सकते हैं। और सामने ठीक हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी जी है। तो और देख सकते हैं ये इस मंदिर की दीवार है छत है, यानी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कई प्रकार की तस्वीरें बना रखी है, जिसमें उनकी बचपन की रासलीला दिखा चुका है, देख सकते हैं उनकी भगवान श्री की लीला है। और सामने सकते हैं यह राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए हम, आप भी दर्शन करें और कमेंट लिख दें जय श्री श्याम जय श्री राधा। तो गाइस अब चलो आगे चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको श्री राम जी के और माता सीता और भगवान उनके भाई लक्ष्मण जी के और हमारे सबके प्रिय हनुमान जी, देख सकते हैं आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की काफ़ी खूबसूरती है। और गाइस बता दूं यहाँ पर सेल्फी लेना अलाउड नहीं है, अगर आप यहाँ पर सेल्फी लेंगे तो आपका फ़ोन रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ भगवान की तरफ फीड करिए, सेल्फी ना खींचे, आप वीडियो बना सकते हैं अंदर आके। तो गाइस ये देख सकते हैं ये है लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव, और इनके पास बैठे पड़े इनके प्रिय प्रहलाद जी, देख सकते हैं इनका शांत रूप बिल्कुल। और ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको रुक्मणी जी और राधा जी एक साथ दोनों नृत्य करती हैं,
बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनकी आकृति बनाई गई है, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर अद्भुत। तो गाइस जैसे देखा मिल रहा है सेल्फी लेना बना है, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो गाइस देखते हैं हम जाना परिक्रमा कम ने, वैसे एक तरह की आर्ट गैलरी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बचपन के उनकी जो जो उन्होंने लीलाएं करी है बचपन में तो सब देख लीजिए इसके अंदर। तो आपको वो दर्शन कराते हैं उनकी सारी लीलाओं की, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं उनकी सारी लीलाओं के। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर आप मंदिर हम बहुत बड़ा घूम चुके हैं, परिक्रमा हो चुके हैं, तो चार तो देख सकते हैं भक्त ने काफ़ी बैठे पड़े हैं। और यहाँ पर सकते हैं अपने आप यहाँ पर कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें भगवत गीता भी है, श्री कृष्ण गीता भी है। दर्शन करने के बाद थोड़ा भारत रखा है और थोड़ा मंदिर एक्सप्लोर करना है और आपको पूरा मंदिर दिखाने वाले हैं। थोड़ा काम भी चल रहा है मंदिर के अंदर, देख सकते हैं काम चल रहा है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, यहाँ पर थोड़ी देर बैठ सकते हैं शांति के लिए, आप मंदिर के अंदर बैठ सकते हैं तो, लेकिन यहाँ बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। मंदिर तक नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बुक शॉप्स हैं, थ्री मैच क्लास गिफ्ट शॉप है, यहाँ पुस्तक भंडार मिलने को, स्वीट शॉप भी, यहाँ पर कुछ खाना भी ना हो तो खा भी सकते हैं। यहाँ पर ये शॉप से यहाँ पर भगवान को भोग ला के ही मिलता है, उसके बाद यहाँ पर पड़ सकता है देसी घी के अंदर। अगर बच्चों के साथ चिली पटेटो कुछ चाहिए तो देख सकते हैं गोविंद जलपान, गोविंद स्नैक्स, द स्वीट शॉप, हर तरह की यहाँ पर शॉप आपको मिल जाएगी। भगवद्गीता के यहाँ पाँच विषय वस्तु पर होना है, रोज़ यहाँ पाँच वो करेंगे, मुख्य जो विषय है अभी संडे को हो गया 6:30 बजे और इसकी स्टार्टिंग होने वाली 14 मई से, देख सकते हैं आप। और इस्कॉन टेम्पल में होने वाला है, इसके फीस रेट आपको 250 पड़ जाती है, आप यहाँ पर रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो वैसे देख पा रहे हैं सामने तरफ भगवान श्री कृष्ण काले नग के फन पर सवार है और नित्य मूर्ति में है इसका, देख सकते हैं सामने। और यहाँ पर नाइट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर नाइट को लाइटिंग शो होता है तो काफ़ी और अच्छा लगता है यहाँ पर। तो वैसे आपको देखने मिल जाएगा रोबोट शो, ऑडिटोरियम, गिफ्ट शॉप है यहाँ पर, यहाँ पर टिकट मिल जाएगी अंदर से, यहाँ पर काफ़ी गिफ्ट शॉप है। तो यह ऑडिटोरियम के लिए यहाँ पर रोबोट शो होते हैं, देख सकते हैं क्या, हम तो अंदर जाएंगे नहीं, अगर आपको आना के अंदर ये देखना हो देख सकते हैं आप आके। तो गाइस वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर।
पूरा मंदिर आप घुमा चुके हैं।